हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम बाय यूजिंग द एबेकस। अब हमारे पास एबेकस में जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने इनको जो है वो सॉल्व करना है। सम है साथ में, जिसे हमारे पास फर्स्ट टू दिया है, तो इसमें हमसे बोला है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है देन ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एडिशन के टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, और जो सब्ट्रैक्शन की टर्म है उसको लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करें। तो ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी साइन नहीं, उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का। तो अब जिस नंबर का प्लस का साइन है उनको पहले हम प्लस कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास बचता है उसको हम सब्ट्रैक्ट का, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो हेयर हमारे पास है एडिशन के लिए 448 प्लस 307। सबसे पहले हमने इनको ऐड कर लिया, 8 प्लस 7 15, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 3 7। इन दोनों नंबर का एडिशन हमारे पास क्या आ गया, 755। अब उसमें से हम 34 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो हेयर 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 3 2 एंड 7। सो हेयर द आंसर इज 721। क्या किया हमने इसमें, जो हमारे पास प्लस में टर्म्स दी थी सबसे पहले हमने उनको ऐड कर लिया, और उसके बाद जो हमारे पास माइनस में टर्म थी उसको लास्ट में हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सेकंड जो इसका पार्ट है वो भी सेम ऐसे आप लोगों ने खुद जो है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 861 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल फ्रॉम क्लासेस 1 to 5। आपके स्कूल में क्लास 1 से लेके 5 तक कितने स्टूडेंट, टोटल 861। देयर आर 426 स्टूडेंट इन क्लास 1 and 2। उसमें से फर्स्ट और सेकंड क्लास में है 426 स्टूडेंट्स, और एंड 256 स्टूडेंट्स इन क्लास 3 and 4। थर्ड और फोर्थ क्लास में स्टूडेंट्स हैं 256। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 5th क्लास, टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स हैं 861। मतलब आपके पास जो टोटल स्टूडेंट है उनका सम दिया गया है, टोटल है 861। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में स्टूडेंट्स हैं 426 एंड थर्ड एंड फोर्थ क्लास में स्टूडेंट्स हैं 256। हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास 5th क्लास बच गई उसमें कितने स्टूडेंट हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास ही हैं, उसके बाद फर्स्ट सेकंड क्लास में 426 हैं, थर्ड फोर्थ में 256 हैं। हम क्या कर लेंगे, जो थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो कितने स्टूडेंट हैं, और जो हमारे पास फर्स्ट टू फोर्थ स्टूडेंट आएंगे उनको हम टोटल स्टूडेंट से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 5th क्लास के स्टूडेंट फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हेयर 426 प्लस 256, 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 2 6। तो फर्स्ट टू फोर्थ क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 682। अब हमने जो है 5th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करेंगे, 861 तो टोटल स्टूडेंट हैं, उसके बाद फर्स्ट टू फोर्थ हैं 682। तो टोटल स्टूडेंट्स फर्स्ट टू फिफ्थ हमारे पास हैं 861, फर्स्ट टू फोर हैं 682। फिफ्थ के स्टूडेंट फाइंड आउट करें तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट टू फिफ्थ टोटल स्टूडेंट हैं उनमें से फर्स्ट टू फोर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो हेयर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम बोरो करेंगे, यहाँ रह गए हमारे पास 5। नेक्स्ट आगे 11, 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 9, 5 में से अगेन 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अगेन हम बोरो करेंगे, यहाँ आगे 7, यहाँ 50, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 7, 7 में 6 को सब्ट्रैक्ट किया 179। तो कितने स्टूडेंट हैं 5th क्लास में, 179। सो हेयर द आंसर इज़ 179। तो आपकी जो है वो 4th चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आपने क्या करना है, जिसका सेकंड पार्ट है वो सेम एज इट इज़, जैसे हमने ए पार्ट जो है वो सॉल्व किया एज इट इज़, आपने इसका वी पार्ट भी सॉल्व करना है और अपनी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। ओके, थैंक यू।